हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। देखो, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को लेके, उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी क्वेरीज आपकी थी, तो वो सभी डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो ना सिर्फ एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीजीएल का Tier 3 डिस्क्रिप्टिव होता है और सीएचएसएल का Tier 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है प्रतियोगिता मंत्रा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी और भी बाकी सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। देखो, स्टार्ट करते हैं सेशन। लेटर की अगर मैं बात करूँ तो लेटर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है और ये कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। अब आपकी क्वेरी थी कि मैम सिर्फ लेटर अटेम्प्ट करना है या सिर्फ ऐसे अटेम्प्ट करना है या एक लेटर एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। देखो, अगर 2018 की बात की जाए तो आपको 5 ऐसे के टॉपिक्स गिवन थे और 5 लेटर्स के टॉपिक गिवन थे, ठीक है। इनमें से आपको टोटल 10 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना था, यानी चाहे आप एक ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप एक लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको सिर्फ एक चीज अटेम्प्ट करनी है। अब लेटर में अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेट। अब लेटर के टाइप्स में होते हैं, 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। दोनों का ही फॉर्मेट जो है अलग अलग होता है, तो ध्यान से देखना। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है आपका जो लेटर एडिटर को लिखा जाए, पुलिस को, किसी पुलिस ऑफिसर को, प्रिंसिपल को, कमिश्नर को, हायर अथॉरिटीज को जो लेटर लिखा जाता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी या लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कहाँ लिखा जाता है? आप अपने रिलेटिव्स में लिखो, आप अपने ब्लड रिलेशंस में जो भी लेटर लिखते हो या फिर फ्रेंड्स को जो भी लेटर लिखा जाए उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों ही टाइप्स का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर आपका बेल आइकन लास्ट में ऐसा अपीयर हो, तभी आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो देखो, फॉर्मल लेटर के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो ये आपका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेजने वाले का पता है वो आपको लिखना है। मैक्सिमम 3 लाइन में आपको ये चीज लिखनी है। उसके बाद आप 1 लाइन का गैप दो, फिर आपको लिखनी होती है डेट। क्लियर है? फिर आप 1 लाइन का गैप दो, फिर आपको लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस, जहां लेटर भेजना है वो आप लिखोगे। फिर आपको 1 लाइन का गैप देना है। उसके बाद आपको लिखनी है सैल्यूटेशन, जो संबोधन है वो आपको फिर यहाँ लिखना है, चाहे आप सर लिखो चाहे मैडम लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लाइन का गैप देना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। उसके बाद फिर 1 लाइन का गैप देना है, फिर उसके बाद आपको लिखनी है जो भी उसका कंटेंट है, जो भी बॉडी है लेटर की। उसमें 3 पार्ट्स लिखने होते हैं बेसिकली। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन, ठीक है। फिर 1 लाइन का गैप दो, लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखो, उसके बाद अपना नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। अब बहुत सारी क्वेरीज ये थी कि मैम सैल्यूटेशन पहले आना, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, सैल्यूटेशन बाद में। तो ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब ये लेटर की अगर मैं बात करूं तो ये सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न से ही लिया गया है। ये आप लेटर को देख सकते हो, इस तरीके से आपको अपना फॉर्मल लेटर लिखना होता है। ये सीबीएसई के जो लेटेस्ट पैटर्न पे ही बेस्ड है ये लेटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद लिखी है डेट, फिर लिखा है रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद लिखा है सैल्यूटेशन, फिर लिखा है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी, लास्ट में फिर सब्सक्रिप्शन और उसके बाद नेम। क्लियर हुआ? आप याद कैसे रख सकते हो? आपको याद रखना है SDR SSB, SDR SSB। अब सबसे पहले क्या आना चाहिए? एड्रेस, किसका एड्रेस? सेंडर्स का, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट एंड बॉडी। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मेट था आपका फॉर्मल लेटर का। अब बात की जाए अगर इनफॉर्मल लेटर की, तो देखो इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या लिखना होता है
सिर्फ आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर आपको लिखनी है डेट, उसके बाद एक लाइन का गैप। अब यहाँ पे आपको रिसीवर के एड्रेस को लिखने की कोई नीड नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज को। सीधा आपको लिखना है सैल्यूटेशन डियर ब्रदर या सिस्टर, उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर बॉडी, उसके लास्ट में फिर एक लाइन का गैप देके आपको एंडिंग योर्स लविंग नेम। अब आपकी एक क्वेरी थी कि आपको अपना नाम लिखना है या फिर जो गिवन नेम है। अगर आपको कोई नेम गिवन है तो आपको वही नेम लिखना है, और अगर आपको कोई नेम गिवन नहीं है तो भी आपको एक्स वाई जेड लिखना है या एबीसी आप लिख सकते हो। आपको अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना, खुद का नाम नहीं लिखना है। एक और चीज, अब एक क्वेरी होती है कि सिर्फ बॉडी के 150 वर्ड्स या कुल मिला के 150 वर्ड्स। देखो कुल मिला के 50 वर्ड्स होता है, ये जो आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, ये जो डेट लिखोगे, ये जो सैल्यूटेशन लिखोगे, ये सब मिला के आपके टोटल 150 वर्ड्स बनने चाहिए। आप आपको इस तरीके की एक शीट प्रोवाइड की जाएगी। अब जैसे लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम आपकी क्वेरी थी कि बॉक्सेस वाली शीट प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, आपको नॉर्मल शीट प्रोवाइड की गई थी। तो देखो इसीलिए मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप पेंसिल और इरेजर लेके जाओ। अब वर्ड्स गिनने कहाँ तक बैठोगे, शुरू के 3 या 4 मिनट लगाओ, फटाफट से काउंट करना आपके लिए भी आसान रहेगा, लास्ट में उसको रब कर देना। अब आप चाहे ऐसे ऑप्ट करो चाहे लेटर, आपको ये चीज कर लेनी है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली यही शीट दी जाएगी, बट अगर ये शीट नहीं दी जाती है तो भी आपको वर्ड्स काउंट करने में जितना टाइम लगेगा उसकी बजाय थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, क्योंकि आपको ये बात तो पता ही कि वर्ड लिमिट अगर एक्सीड की तो आपको उस चीज के मार्क्स नहीं मिलते हैं, यानी चाहे आपका लेटर हो चाहे आपका ऐसे हो, एब्रप्टली एंड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखो यहाँ पे ये जो लिखे गए हैं पैटर्न, आप चाहे इस तरह से लिख सकते हो, चाहे इस तरह से, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बॉक्सेस में, एक बॉक्स में एक ही वर्ड आएगा और जिस बॉक्स में आप लिखोगे वही काउंट होगा। जैसे अगर मैं इन दो लाइंस की अगर बात करूं, इन दो रॉस की अगर मैं बात करूं, तो 1 2 3 4 5, यानी ये कितने वर्ड्स हुए, 5। ये जो आपने नहीं लिखा है ये काउंट नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एसएससी एमटीएस 2018 के टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे। देखो क्या टॉपिक है, ऐसे की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन एंड लाइफ, रेनी सीजन, मोबाइल फोन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, क्रिकेट मैच, ये आपके ऐसे के टॉपिक्स थे। और लेटर की अगर मैं बात करूं तो आपको लेटर लिखना था लाइब्रेरियन को, अपने फादर को सीकिंग परमिशन टू विजिट जयपुर विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना था इनवाइट करने के लिए। फोर्थ आपको लिखना था लेटर टू रीजनल इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर रिगार्डिंग नॉट गेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम। फिफ्थ आपका जो टॉपिक था वो था लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये तो बात हो गई 2018 के टॉपिक्स की। 2019 के एग्जामिनेशन के लिए जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, देखो ऐसे की अगर मैं बात करूं तो इंडियन फेस्टिवल्स, पोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीजीएल 18 के टीयर 3 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमटीएस के लिए भी। वैसे तो जनरली एसएससी सीजीएल के टॉपिक्स और एमटीएस के टॉपिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये सिंपल से ऐसे पूछे गए हैं, जबकि एसएससी सीजीएल में ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन पूछ लिया, क्लियर है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछ लिया था। लेकिन एसएससी एमटीएस में आपको सिंपल टॉपिक दिए जाएंगे। इन टॉपिक्स के अलावा जैसे पोल्यूशन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, माय फेवरेट स्पोर्ट हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, रोल ऑफ टीचर्स इन दी सोसाइटी, स्वच्छ भारत मिशन, ये सभी के सभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जो शीट है, बॉक्सेस वाली शीट, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए आप और कहाँ से, कोई भी आप 10th, 11th या 12th की कोई भी बुक उठाइए, वहां पे जो भी ऐसे गिवन है वो सभी आपको पढ़कर जाने हैं। लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट लेटर आपको लिखना है चेयरमैन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी को टू ओपन अ फर्निश्ड लाइब्रेरी इन योर लोकेलिटी। सेकेंड लेटर लिखना है आपको अपने एल्डर ब्रदर को एडवाइजिंग हिम अबाउट अ हॉलीडे। थर्ड लेटर आपको लिखना है एक फ्रेंड को आस्किंग हिम अबाउट asking him to guide you in making the career choice. Fourth letter लिखना है to the chairman of the municipal corporation throwing light on insanitary condition in the city. Fifth letter लिखना है write a letter to the editor highlighting the importance of the education. अब देखो इनके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, आप 10th, 11th और 12th की जो books हैं उनमें जो letter writing के topics हैं उनको भी follow कर सकते हो। ये सभी के सभी topics बहुत ज़्यादा important है, daily आपको practice करनी है। जो sheet है, blocks वाली sheet, वो आपको provide करा दी जाएगी telegram channel पे। इसके साथ साथ descriptive examination
क्वेश्चन को लेके और भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूंगी। आपको करना क्या, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट करके चल रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस के जो कोर्सेज हैं वो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो, आपको मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के सभी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में बाय द टॉप एजुकेटर। ठीक है, किसी भी एजुकेटर के किसी भी कोर्स के लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, और ये सब की सब चीजें 100% फ्री है, एक प्लान में सब इंक्लूड है। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है। अगर आप वन ईयर का प्लान लेते हो तो ये आपको करीब पड़ जाएगा 4800 का। अगर आप सिक्स मंथ का प्लान लेते हो तो ये करीब पड़ जाएगा 3800 का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, रेफरल कोड की जगह लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। कैसे परचेज करना है, देखो, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो, यहाँ जहाँ रेफरल कोड लगाते हैं आपको लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं, आप उन्हें लगाओगे तो आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना, रेफरल कोड प्रतियोगिता मंत्रा। एसएससी के अलावा चाहे बैंक की प्रिपरेशन हो, चाहे रेलवे की प्रिपरेशन, किसी के भी कोई भी प्लान के लिए आपको सेम डिस्काउंट कोड को अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप वन ईयर का प्लान लो, इससे आपका प्री मेंस टीयर थ्री पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। एक साल के लिए कहीं भी भटकने की नीड नहीं है, एक ही जगह पे आपके मॉक टेस्ट भी है, क्लास टेस्ट भी है, क्लास पीडीएफ सबका सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, रेफरल कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।